अब हाँ, मैं मानता हूँ कि ये वीडियो अपने समय से काफी लेट है, मगर इस टॉपिक पे बात करना काफी ज्यादा जरूरी था। तो यार, सोनी की न्यू स्पाइडरमैन मूवी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का ट्रेलर तो तुमने देख ही लिया होगा, और अगर सच पूछो तो सोनी के लिए स्पाइडरमैन किसी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से कम नहीं है। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि इन्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है, आखिर कहाँ है अमेजिंग स्पाइडरमैन 3। खैर, इससे पहले कि तुम ऑनलाइन पेटिशन शुरू कर दो, चलते हैं हमारे आज के चर्चा के विषय पर, स्पाइडरमैन की एनिमेटेड मूवी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी है सोनी की तरफ से। तो इसका ट्रेलर अपने आप को वहीं से शुरू करता है जहां पे इसकी कहानी ने अपने आप को छोड़ा था, जहां स्पाइडरमैन के सभी वेरिएंट्स अपने अपने यूनिवर्स में वापस लौट जाते हैं और हमारा माइल्स मोरेल्स का स्पाइडरमैन भरी जवानी में एक बार फिर अकेला हो जाता है, जहां उसका प्यार, उसकी क्रश, उसकी प्रेमिका ग्वेन स्टेसी भी अपने यूनिवर्स में वापस चली आती है। और अगर हम बात करें पार्ट 1 की, तो उसने प्राइमरली फोकस किया था हमारे माइल्स के स्पाइडरमैन के ओरिजिन और कैरेक्टर डेवलपमेंट में, कि कैसे उसका बचपन उसकी जवानी में बदला और कैसे वो एक बच्चे से जिम्मेदार इंसान बना, बिल्कुल मेरी तरह। एक हफ्ते से वीडियो नहीं आई, जिम्मेदार इंसान कर देना प्लीज। अब बात करें इसके ट्रेलर की, तो इसका ट्रेलर हाफ टाइम तक तो अपनी पुरानी चीजों को ही रीकैप करता है, जहां माइल्स की जिंदगी भी कुछ अलग नहीं है बाकी स्पाइडरमैन से जो दूसरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, ये भी अलोन ही रहता है। और इस सबके तुरंत बाद हमें दिखाया जाता है कि माइल्स के कमरे में एक मल्टी डायमेंशनल पोर्टल खुलता है, जिसमें होती है उसकी क्रश। ग्वेन स्टेसी उसे इन्वाइट करती है मल्टीवर्स के सफर पर, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अपनी क्रश को देख के इसने अपने थप्पड़ क्यों नहीं मारा, क्योंकि मैं होता तो मैं तो विश्वास ही नहीं करता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है अपने साथ। पर माइल्स भैया उठे और निकल पड़े सीधे मल्टीवर्स की सैर पर, क्योंकि औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। खैर, इसके बाद माइल्स हमें ये ट्यूब लाइक पैसेज से ट्रेवल करता हुआ दिखता है, जो कि मल्टीवर्स में जाने का एक रास्ता होगा। और इस सबके बाद आता है ट्रेलर का असली माल, इतने सारे स्पाइडरमैन की फिश मार्केट, जहां इतने स्पाइडरमैन होते हैं कि तुम उन्हें अपनी उंगलियों पे गिन भी नहीं पाओगे। पिछली मूवी में ही ऑलमोस्ट 6 से 7 स्पाइडरमैन थे, जो कि प्रोबेबली इस मूवी में भी तुम्हें देखने को मिलेंगे ही, पर उसके साथ साथ तुम्हें और भी स्पाइडरमैन के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। और कहो तो एक राज की बात बताऊं, किसी उड़ती उड़ती चिड़िया से खबर आई है कि टोबी एंड्रयू और टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन भी इस मूवी में दिखने वाला है। और मैं सही बता रहा हूं, थप्पड़ बड़े जोर का मारूंगा अगर तुम में से कोई भी बोला कि ये टोबी और एंड्रयू वाला स्पाइडरमैन कैसे आ सकता है एनिमेटेड मूवी में। और ट्रेलर देखकर ये बात तो साफ समझ आ रही है कि इतने सारे स्पाइडरमैन दो टोलियों में बढ़ जाएंगे। अरे टोली मतलब टीम, दो टीम में बढ़ जाएंगे। और एक तरफ होंगे इविल स्पाइडरमैन, जो अक्रॉस द यूनिवर्स जाकर डिफरेंट डिफरेंट स्पाइडरमैन को मार रहे होंगे, और दूसरी तरफ होगा हमारी माइल्स की टीम वाले स्पाइडरमैन, जिनका काम होगा इन सबको रोकना। एंड ऑन अ ग्रेटर स्केल, इस सबके पीछे होगा द स्पॉट, जो कि इस मूवी का मेन विलेन होने वाला है। अब अगर हम सुपर हीरो एनिमेशन मूवीज की बात करें, तो इसमें मुझे रैंक करना हो तो मैं सबसे ऊपर डीसी को रखूंगा, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे उनकी जस्टिस लीग डार्क एपोकलिप्स वाली मूवी बहुत मस्त लगी। अगर तुमने नहीं देखी है ना, तो तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। और दूसरे पे मुझे स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स लगी, क्योंकि उसके एनिमेशन भी बहुत तगड़े हैं, और कहीं इसके बाद मैं व्हाट इफ को रखना चाहूंगा। अब हाँ, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, तुम इससे डिसएग्री या अग्री कर सकते हो, पर कमेंट सेक्शन में अगर गाली आई ना तो मार तो दूंगी लोकी। खैर, जोक्स अपार्ट, मुझे सोनी के एनिमेशंस वाकई में काफी अच्छे लगे, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने स्पाइडरवर्स के कॉन्सेप्ट को दिखाया है ना भाई, लिटरली मजा आ गया। और जिस तरह से उनका बैकग्राउंड स्कोर इतना ओपी तरीके से उनकी विजुअल्स के साथ मैच करता है ना भाई साहब, एकदम चुम्मा। और मैं तो यही कहूंगा कि मैंने इनकी मूवी को इतना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता। ये ट्रेलर देखने के बाद ये बात तो समझ में आ ही रही है कि इनके एनिमेशन मोर और लेस ऑन अ सिमिलर लाइन ही चलेंगे, लेकिन ये बात जान लो कि स्टेक्स लास्ट मूवी से काफी हाई होंगे। तो अब देखना ये है कि ये लौंडा और कुछ खोए बिना वो पा सकेगा जो इसका दिल चाहता है। घड़ी इमोशनल बात कर दी। सच कहूं तो लास्ट वीडियो का हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं है, हार्ट ब्रेक वाला। नहीं समझे तो वीडियो स्क्रीन पर आ गई होगी, जाओ जाकर देखो इसे। मगर उससे पहले अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार ऐसे ही पॉप कल्चर रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए। बाकी तो मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए होती है फिर।